डेली सुबह 6 बजे उठ के नीचे जाना और दूध लाना, ये हमारी डेली की ड्यूटी। अभी जस्ट जा रहे हैं दूध लेते हैं, फिर ऊपर दूध दे के फिर दिनेश आया उससे मिलने जाऊंगा टंकुश, और आज शाम में कहीं और जाने वाले हैं, मामा मामी से मिलने जाने वाले हैं। मम्मी जाएगी फर्स्ट टाइम मेट्रो में। तो हे बस गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सा हो जाता है। ये देखो एक पीछे है? अरे चढ़ा लो यार मम्मी, आप अपने से चढ़ा लो खुद से है? देखो ये टेक्निक होती है दोस्त को धीरे धीरे अपने पास बुलाने की। ये आ नहीं रहा था उस टाइम से, वहाँ टंकुश पे बैठा पड़ा था और अब ये नीचे आके खड़ा है। बड़ा हरामी आदमी है, अब यहाँ तक क्यों आ गया? मम्मी कह रही ऊपर बुला ले फिर नाश्ते पे। मैंने कहा पंडित पे आया है नाश्ता कर। वो आ गए, थोड़े परांठे परांठे खाए, बातचीत हुई, वो चले गए, उनको काम था कुछ, बस अब ऊपर जा रहे हैं, फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे, थोड़ा फ्रेश में एक नींद मार के फिर जाएंगे मामा के। नौ बज गए और अब जस्ट नहाने जा रहा हूँ और आने वाले कुछ दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। बस मम्मी हो चुकी है रेडी, मैं भी जा रहा हूँ जस्ट नहाने। अभी तो लंबू पुंगू जस्ट जा रहा हूँ, अभी नहाऊँगा और पहले ये थोड़े से बिस्तर रह रहे हैं उसको सैंत देता हूँ, फिर नहाऊँगा। अभी बाल कटवाने पड़ेंगे, छोटे ही हो रहे हैं पर साइड से बहुत बड़े हो रहे हैं, वो कटवाने पड़ेंगे। और बस आगे दिखाता हूँ आपको, नहा के आता हूँ फिर मिलते हैं हम ब्लॉग में अंदर ही। तो कितना हो गया होगा, कम से कम 3-4 साल? अब ईसर छोटी हो लगी तब दियो पीने के लिए छोटी। और का लाइफ में बहुत दिनों बाद सफ़ेद शर्ट पहनी है इनके कारण। इनका कहना ये है कि सफ़ेद शर्ट पहनो तो कहीं जाने के लिए, वैसे नॉर्मल दिल में नहीं। ये इतनी बड़ी होती थी यहाँ तक आती थी, अब ये यहाँ तक आती है। 5 साल के बाद पहनी है वाली शर्ट है मम्मी, यही होता है, इसलिए कहते हैं सफ़ेद शर्ट मत खरीदो, खरीदोगे तो फिर पहनने नहीं देते घर वाले। निकलते ही बारिश भी आ गई, बस निकल रहे हैं, मामू को इन्फॉर्म कर देंगे अभी कि आ रहे हैं जस्ट, और बारिश भी आ गई देख लो, मेट्रो से जाएंगे। देखो बारिश ना आए भलाई इसी में रहेगा। उल्टा लगा रखा है इसे, सीधा करो, उतारो, आप लगाओ ऐसे, हाँ ऐसे है तो अब फिट आएगा। देखो आया, अरे नहीं गिरे, आया फिट, आग लगा रखा। बारिश वहाँ भी हो रही होगी ना अपनी बारिश है। पानी की बोतल ले लूंगा ना, वहां पे गिरेगी तभी तो। पान की तलब देख रहे हो इनको, बहुत ही ज्यादा है पान की तलब। गेट बंद था वो वाला, हमने देखा ही, गेट बंद था वो वाला, आप आगे जा रही हो। अगर अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो भाई तो अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा चुल है पैसे रखने की तो मत लो, क्योंकि तुम्हारी भी सेविंग्स उनके पैसों में ऐड हो जाती है जब तुम उनके लिए। डर लग रहा है। सब तेरे मेरे में ही चुन रहती है कि भाई मैं संभाल लूंगा, मेरे को पता चलता मेरा ही पैसा चला जाता है इसके अंदर। तो अपने मम्मी पापा को ही संभाल लेने दो, पैसे की लालच में अपना पैसा भी डूब जाता है।
हैदराबाद में तो आए हो कितनी बार पापा के साथ? वो उस तरफ जमीन की तरफ गए हो ना, पानी खाओगे? पानी खाओगे आज? सही समझ मिल रही है तुम्हें, पान की तलब लग रही है। ठीक है, आप कहीं जाएंगे तेरे साथ तो लेके। बारिश हो रही है, पानी बारिश ही हो रही है। सामने क्या होगा फिर? सवेरे चल रही है। बारिश हो रही है अम्मी, बारिश हो रही है। चलो, हो नहीं रही बारिश, हो रही है अम्मी। ये देखो, ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा है मम्मी, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है। बीस फुटा रोड है ना अंकल, वो बारिश हो रही है यहाँ तो अच्छी खासी है। नहीं हो रही, ये देखो पूरा कब्रिस्तान है सारा का सारा। आर्मी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? मुझे गोश्त की खुशबू आ रही है और अम्मी अम्मी का दिमाग घूम रहा है। क्यों मम्मी? ऐसी गलियों से गुजरो गोश्त की खुशबू ना आए तो भाई फिर तो बस। पहुंच गए हैं, बड़े मामू हैं तो वीडियो नहीं बना रहा है इसलिए। निकलेंगे यहाँ से शाम में, सब इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, नाश्ता वास्ता हुआ है, लंच की तैयारी चल रही है। मामी कह रही है कि शाम में जाना है। देखिए वो कैसा पानी, सुबह से तुम कैटो पानी से मास्क भी लगा रखा और अब अभी आगे कचरे की गाड़ी जा रही है तो मास्क लगा रखा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ कर रहा हूँ, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय बाय। नया मोबाइल भी लिया है और बताया भी नहीं यार पापा तुमने है? बता भी है मम्मी, बता भी देते कि मोबाइल लेने जा रहा हूँ तो मैं भी चल देता।